हेलो दोस्तों, राम राम आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त नवीन देसवाल हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो उन LCLO साथियों के बारे में है जो आज HPPA के ऑफिस में गए थे। सुबह से बहुत सारे साथी फ़ोन के माध्यम से और मैसेज के माध्यम से ये पूछ रहे थे कि आज वहाँ पर क्या हुआ। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बनाते हुए मैं टू द पॉइंट बात आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जो भी LCLO साथी आज पंचकुला गए, वे 31 साथी आज वहाँ पर गए हैं, जिनमें दो बहनें भी थी। जबकि हमने ये अपने ग्रुप्स में बोल दिया था कि भाई सिर्फ जो ना लड़के जाएंगे, फिर भी उन्होंने जो ना ये कहा कि नहीं हम भी जाएंगे, तो अच्छी बात है। और बहुत साथी जाने को तैयार थे, लेकिन हम त्योहार और को देखते हुए और ज़्यादा भीड़ एक बार पहली बार हम नहीं ले जाना चाहते थे। एक सुखद माहौल में वहाँ पर बातचीत हुई और जो साथी गए उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। HPPA के ऑफिस में जो अधिकारी थे उन्होंने बड़े बेहद अच्छे तरीके से बातचीत की, उसके लिए उनका भी हार्दिक धन्यवाद। वहाँ पर हमारी सभी बातें सुनी गई, अच्छे तरीके से सारी बातें सुनी और समझने की कोशिश की। साथ में हमने जो मांगी रखी उनको उन्होंने रिटर्न में ले लिया है। जो साथी गए थे उनके फ़ोन नंबर वगैरह भी ले लिए हैं और ये भी कहा है कि वे जरूरत पड़ी तो वे उनसे संपर्क भी करेंगे। साथ में भाई ये बोला है कि देखो, हथेली पे सरसों हरी होती नहीं है। विभाग ने बोला कि हम ये नहीं कह सकते कि सॉल्यूशन आपकी सभी समस्याओं का सॉल्यूशन कब तक होगा, लेकिन आपकी समस्याएं जायज हैं और इन पर जरूर गौर किया जाएगा और ये सरकार के पास भेज दी जाएंगी और जहाँ तक संभव हुआ इनका सोल्यूशन करवा जाएगा। साथ में जो 5-6 दिन पहले CPLO साथी चंडीगढ़ गए थे, उनकी जो मांगे थी उसको भी LCLO साथियों ने उन्हें अधिकारियों को रिमाइंड करा दिया है कि भाई हमारे साथी CPLO साथी भी 5-6 दिन पहले आए थे, उनकी ये मांगे थी, तो उन्होंने कहा हाँ जी हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, तो उनकी भी जो अन्य चीज़ों को रिमांड करा दिया। इससे भाई ये भी पॉजिटिव बड़ी अच्छी बात साथियों ने करी कि भाई LCLO और CPLO एक साथ हैं, अलग अलग नहीं हैं। तो देखो, जो साथी गए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, विभाग का धन्यवाद, और एक पॉजिटिव रिस्पांस वहाँ से निकल कर सामने आया है कि भाई थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी समस्याओं का सोल्यूशन ज़रूर यहाँ पर किया जाएगा। और कोई इसके अलावा विशेष बात फिलहाल मेरी जो उनसे साथियों से बात हुई निकल कर सामने नहीं आ रही है। वे साथी अभी तक अपने शहरों में पहुंचे भी नहीं हैं। जिन साथियों से मेरी बात हुई है वे अभी ये मान के चलो रात के 10-11 बजे से पहले वे पहुंचे होंगे भी नहीं इस रोहतक में। तो भाई और अलग से कोई विशेष बात रह गई हो तो वो आपको बाद में सूचित कर दिया जाएगा, लेकिन मुख्य बात यही है कि विभाग ने अच्छे से बात सुनी और एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स इस चीज़ का दिया है, बेहद अच्छे तरीके से हमारी बात सुने हैं और जो साथी गए उन्होंने भी भाई बेहद एक अच्छी एकता दिखाई और CPLO साथियों की भी मांगों का भी अपने साथ साथ वहाँ पर उनको याद दिलाई। तो आज की वीडियो में और कुछ ज़्यादा नहीं है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सभी साथियों तक जो है ना ये पहुँचाए ताकि सबको पता चले कि आज का क्या रहा। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को राम राम।